आज हम लोग क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूँ आप ज़रूर सीखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग एक देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। जितना कह रहा है हम सबसे पहले उतना करेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, सर्कल, वृत्त को कहते हैं हम लोग सर्कल। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का हम सर्कल जो ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पेंसिल का यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को एग्जाम में पेंसिल का यूज करना है, पेन यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को वीडियो क्लियर दिखे। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या चीज़, 6 सेंटीमीटर रेडियस का क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। हम एक से ले रहे हैं इसलिए 7 तक ले गए, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का हम लोग सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखिएगा पेन का यूज पहले भी बता चुके क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो क्लियर दिखे। आप लोग कृपया यूज ना करें, पेंसिल का ही उपयोग करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, बारी बारी से हम करेंगे हर पार्ट को। केंद्र से यानी सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, और इस सर्कल से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट, उस पॉइंट से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म, मतलब होता है जोड़ा, पेयर, दो पेयर लाइन खींचना है, जिसकी लंबाई भी हमें माप के बतानी है। तो चलिए करते हैं। तो ये मेरा सेंटर है, इससे कितना डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो चलिए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम लेते हैं, जिधर लेना हो आपको ले सकते हो, आप स्वतंत्र हैं। आप इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिए, ठीक है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब इस पॉइंट से हमें इस पर क्या लिखना, खींचना है, क्या ड्रॉ करना है, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो चलिए एक तो इधर से चाप बन चुका है, दूसरा चाप हम लोग यहाँ से लेते हैं, और इधर से भी एक चाप लेते हैं, और इस प्रकार हम एक सेंटर प्राप्त करते हैं। इस सेंटर का नाम देते हैं ओ, और यहाँ से हम लोग इस पे इसको क्या करते हैं, समद्विभाग, दो बराबर भागे बांटते हैं। हमें यहाँ सेंटर मिलता है, इस सेंटर का नाम हम लोग देंगे। और इस प्रकार जब हम इसको लंब समद्विभाग करें तो हमें एक और सेंटर मिला, इसका नाम ओ डैश लिखिए या एम लिखिए, जो लिखना है आप स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं। एम ले लिए, मिड पॉइंट ये मिला हम लोगों को इस लाइन का। अब हम रेडियस इस पॉइंट को लेते हैं पी, पी एम रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए, काफ़ी ईजी है, घबराने की बात नहीं है, आप समझोगे, ठीक है। होल हो गया है, तो चलिए इसके नीचे हम बुक लगा दे रहे हैं, ठीक। तो एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, देखिए। अब ये सर्कल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं दूसरे सर्कल को, जिसका रेडियस जो था 6 सेंटीमीटर रेडियस था, उस सर्कल को वह कहाँ कहाँ टच करती है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से, इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो दो पेयर जो हमें बनाना था वो बन गया, यही नहीं निकालना था, ठीक। और यहाँ भी हम वही काम करेंगे, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाता है। अब इसका चरण लिखना होगा आप लोगों के, कि बनाने के क्रम में हम लोग क्या क्या किए, तो उसी को कहते हैं हम लोग रचना के चरण। तो ये मेरा एक नंबर जो था वह कंप्लीट होता है। इसके स्टेप्स आपको अगर लिखने हैं तो चलिए हम बताते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए ओ को केंद्र मानकर यानी कि सेंटर मानकर हमने क्या खींचा, एक सर्कल ड्रॉ किया। चलिए स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग रचना का जो चरण होगा, रचना का चरण स्टार्ट होता है मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ओ को केंद्र मानकर, एक नंबर बात में ओ बिंदु को केंद्र
मानकर, ओ बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। वृत्त खींचा, पहला स्टेप मेरा हो गया। सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा? केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पी लिया तथा ओ को पी से मिलाया। तो स्टेप को आप देखिएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। क्या लिखे? ओ को केंद्र मानकर हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का, कितना? 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, वृत्त बनाया। फिर सेंटर को, केंद्र को, केंद्र से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक बिंदु पी लिया तथा ओ को पी से मिलाया। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने? इस ओ पी को क्या किया? लंब सम विभाग किया। तो थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे, थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे? ओ पी को मिलाकर या ओ पी को सम द्विभाजित किया तो हमें एम मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। अगला स्टेप मेरा जो चौथा स्टेप था, अब क्या किए हम लोग देखिए। मध्य बिंदु एम प्राप्त हुआ तो ओ एम या बोल सकते हैं आप पी एम को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना की, एक वृत्त की रचना किए तो वह दूसरे वृत्त को क्यू और आर बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। यही मेरा रचना का जो चरण था। इसके बाद हमने क्या किया स्टेप 5 में? पी को आर तथा क्यू से मिलाया तो हमें स्पर्श रेखा पी आर और पी क्यू प्राप्त हुआ। अब इसकी लंबाई हम मेजर करेंगे। वह स्पर्श रेखा जो खींचे उसकी लंबाई क्या है उसको लिखेंगे हम लोग। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें पी आर और पी क्यू स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। पता चला जो है 8 सेंटीमीटर। तो यही मेरा स्टेप था रचना का चरण, ठीक है। बस रचना के चरण में कुछ करना होता नहीं है, आपको जो लगता हो बनाने के क्रम में जो स्टेप का उपयोग किया वही लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन आप लोग को खुद करना होगा, ठीक है।